Hello and good morning everyone. In today's video we will continue our chapter 11 force and pressure part 4, and for today's our topic is pressure. We have to do some calculation based on the pressure. Before doing these calculations, firstly have a look on the few examples that are creating pressure in surrounding our areas. There are few examples that are mentioned in the chapter which create pressure in our everyday life. The first one is the drawing pin is board based towards the thumb side and pointed toward the other end. This increases the area contact and the pressure exerted by the थम इंक्रीजेस, थस पियर्सिंग बिकम्स इजियर. ये कह रहा है कि जो आपने ड्राइंग बोर्ड की पिंस को देखा होगा, इस तरीके से पिंस होती हैं, वो ये पिंस इस तरीके से होती हैं, इसमें एक पॉइंट आगे निकला हुआ होता है लाइक दैट. जब हम इनको प्रेस करते हैं तो यहाँ का जो एरिया होता है इस ये क्या करता है, एरिया जो है डिक्रीज होने लगता है जब ये थम से हम इसको प्रेस करते हैं. तो इससे क्या होता है, ये जो एरिया क्रिएट वहाँ पर जो एरिया उस पिन के कांटेक्ट में आ रहा होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है, और इसलिए जो थंब है वो प्रेशर जब उस पर पड़ता है प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है, तो इसलिए वो ड्राइंग पिन उसके अंदर इजीली अंदर चली जाती है. फाउंडेशन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स आर केप्ट ब्रॉड एंड वाइड सो दैट दे एग्जर्ट लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड एंड डू नॉट शिंक इन ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई प्रेशर ऑफ द बिल्डिंग्स. क्या होता है, जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं आपने देखा होगा, हाई राइज बिल्डिंग्स में हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती हैं उनके जो फाउंडेशंस होते हैं, मींस जो उसका बेस होता है जिसे हम न्यू बोलते हैं, उसको चौड़ा रखा जाता है. क्यों, जिससे कि वो क्या करे, लेस प्रेशर को ग्राउंड पर एक्सर्ट करे, मींस लेस प्रेशर पड़े उस पर. जो बिल्डिंग्स इमारतें बनती हैं उसका पूरा भार उस फाउंडेशन पर होता है, सो उसकी वजह से वो लेस एरिया पर प्रेशर ग्राउंड पर एक्सर्ट करे, जिससे कि वो समटाइम्स कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उसके अंदर गिरे ना और धस ना जाए, वो ज़मीन के अंदर घुसे ना. द स्काइयर्स यूज़ फ्लैट एंड लॉन्ग स्काइज टू स्लाइड ऑन स्नो. जो स्काइयर्स होते हैं, आपने स्काइयर्स मीन्स जो स्केटिंग्स वगैरह सी देखी आपने, जो स्काइयर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्लाइडिंग के लिए स्काइज यूज़ करते हैं. इसलिए बिकॉज ड्यू टू द लार्जर एरिया प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द स्नो विल बी लेसर एंड स्काइयर कैन ईजली स्लाइड विदाउट सिंकिंग इन टू द स्नो. बिकॉज वो जो जितना भी बड़ा एरिया, मतलब क्या होता है कि जो स्काइज होते हैं वो क्या करते हैं, एरिया बहुत ज़्यादा होता है और स्काइयर्स उसकी पतली पतली सी ऐसी पट्टी सी होती है, वो उस एरिया को कवर करते हैं जिस एरिया पे वो होता है. देन वो क्या करते हैं, उस पे मतलब एक ऐसा प्रेशर बना देते हैं कि कम से कम एरिया को वो कम प्रेशर पड़ता है जितना भी उनकी बॉडी का, कम से कम एरिया को कवर करें, और इसलिए क्या होता है कि वो इजीली स्लाइड कर जाते हैं स्नो से और उसमें सिंक नहीं करते हैं, डूबते नहीं हैं. द रियर व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर आर मेड ब्रॉडर. जो ट्रैक्टर की अगले आगे वाले जो पहिए होते हैं, रियर व्हील्स जो होते हैं, उनको चौड़ा बनाया जाता है, ब्रॉडर बनाया जाता है. द ब्रॉड टायर्स रिड्यूस द प्रेशर ऑन द सॉइल. वो क्या करते हैं, जितने चौड़े जो व्हील्स होते हैं, जो टायर होते हैं, और टायर ऊपर जो व्हील्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, वो जितने भी चौड़े होंगे उतना ही उस सॉइल पर प्रेशर को कम पड़ने देंगे एंड ट्रैक्टर इजीली मूव कर पाएगा फील्ड के ऊपर. कैमल कैन वॉक थ्रू डेजर्ट सैंडी सॉइल्स इजीली एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स सच एज हॉर्स डंकीज. दिस इज़ बिकॉज कैमल हैज़ ब्रॉडर फीट. जो कैमल होते हैं वो जो सैंडी एरिया होता है उसमें इसलिए ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं बिकॉज उनके जो वो फिट होते हैं, आपने देखा होगा जो जिन्हें हम खुर बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स. दैट इज़ वाई वो कम प्रेशर पड़ता है उस, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं, प्रेशर कम, तो इस वजह से वो इजीली मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट, स्कूल बैग्स एंड शॉपिंग बैग्स हैव ब्रॉड स्ट्रिप्स.
विच दे आर कैरिड, जितने भी आपने शॉपिंग बैग्स एंड स्कूल बैग्स वगैरह देखे होंगे उनकी स्ट्रिप्स बहुत ही ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, पतली सी स्ट्रिप नहीं होती जैसे थ्रेड लाइक, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जितनी चौड़ी स्ट्रिप होती है वो उतना ही प्रेशर को कम कर देती है, एरिया ज़्यादा कवर होता है और प्रेशर, मतलब प्रेशर इन द सेंस दबाव, जितना भी हैवीनेस होती है उस बैग के अंदर वो ऊपर पड़ती है, बट ड्यू टू द वाइड एरिया ऑफ द स्ट्रिप वो पेन क्रिएट नहीं करती है, बिकॉज द वेट ऑफ द बैग एक्ट्स ऑन ए स्मॉल एरिया एंड दिस इंक्रीज द प्रेशर कंसिडरेबली, उस एरिया कम एरिया पर पड़ता है इसलिए। नेक्स्ट है, पॉटर्स वियर टर्बन व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स ऑन देयर हेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस रिड्यूसेज द प्रेशर ऑफ द हेड। जो पॉटर्स होते हैं आपने देखे होंगे जो हैवी लोड्स को कैरी करते हैं, जैसे कि आपने घर बनाते हुए जो लेबर्स होते हैं उनको देखा होगा, वो अपने हेड पर वो टर्बन टाइप से पगड़ी सी रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो उससे जो प्रेशर पड़ता है, हैवीनेस जो पड़ता है उनके लोड का, जो भारीपन उन पर पड़ता है, वो एरिया के कॉन्टेक्ट में आकर के वो कम हो जाता है, तो प्रेशर को कम कर देता है। दैट्स वाई वॉर टैंक्स मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक्स विद विच आर ब्रॉड चेन लाइक कवर्स ऑन द व्हील्स, दिस कॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑन द ग्राउंड रिड्यूस सो मच द टैंक्स कैन इवन मूव ऑन सॉफ्ट वेट ग्राउंड विदाउट सिंकिंग। सेम उसी तरीके से जो कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं उनके भी, मतलब जो ब्रॉड होते हैं और चेन लाइक कवर्स ऑफ द व्हील्स जो देखे हैं आपने, कुछ व्हील्स ने टैंक्स, जो टैंक्स की बात करूँ, कैटरपिलर ट्रैक्स मतलब कुछ टैंक्स आपने देखे होंगे जो आर्मी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, वो इस तरीके से चलते हैं लाइक अ कैटरपिलर, तो उनकी बात की जा रही है। कैटरपिलर ट्रैक्स होते हैं उन टैंक्स में चेन लाइक कवर्स होता है, व्हील्स के ऊपर चेन लाइक होता है, वो इसलिए होता है कि वो जितने एरिया पर प्रेशर उनका जो पड़ रहा है, हैवीनेस लोड जो पड़ रहा है, वो जितने एरिया लार्ज एरिया को कवर करेगा उतना इंक्रीज कर देगा, मीन्स लार्ज इंक्रीज इन द एरियाज ऑफ कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आकर के ज़्यादा एरिया को कवर करेगा एंड प्रेशर कम पड़ेगा, ड्यू टू द प्रेशर ऑन द ग्राउंड रिड्यूसेस सो मच द टैंक्स कैन ईजी, और जब प्रेशर कम पड़ेगा तो ईजिली मूव हो जाएगा। ऑल ओवर वी कैन से दैट द प्रेशर, हम कह सकते हैं कि मीन्स आपने देखा होगा जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, इन ऑल एग्जाम्पल्स वी हैव सीन दैट व्हेन द एरिया बिकम ब्रॉडर और द एरिया इंक्रीजेज द प्रेशर बिकम लो। ओके नाउ स्टूडेंट, दीज आर द सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द प्रेशर। फर्स्ट, ए गर्ल ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन अ पेंसिल हील ईच ऑफ द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 cm², फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल। हमें गर्ल के थ्रू एक्सर्ट किया हुआ फोर्स फाइंड आउट करना है। गर्ल का वेट 50 kg बताया है और जो उसकी पेंसिल हील जिस एरिया में, जितने एरिया में पड़ रही है उसकी हील, उतने को उन्होंने 1 cm² बताया, एक हील का है, ठीक है। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे जो गर्ल्स ने एक्सर्ट किया है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, मास इज 50 एंड ग्रेविटी हमने यहाँ पे मेंशन की हुई 10 m/s ही लेनी है, तो 50 × 10 इज इक्वल्स टू 500 N। मीटर पर सेकेंड जो है उसको हमने ग्रेविटी को न्यूटन में मेज़र कर दिया, बिकॉज आपने पढ़ा है कि जो यूनिट है वो न्यूटन में मेज़र की जा रही है। ओके, एरिया नाउ टू हील्स का फाइंड आउट करना है, तो 2 × 1 cm², तो 1 cm². नाउ हमें से मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है बिकॉज द यूनिट इज़ इन मीटर स्क्वायर। अब फाइनल लास्ट में हम आपको बताएंगे, देखिए मीटर न्यूटन मीटर पर सेकेंड माइनस में 2 दिया हुआ है ना, तो ये जो है हमें पता है कि जो पास्कल की यूनिट है वो मीटर पर में फाइंड आउट होती है, सो इसलिए हम स्टार्टिंग में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2 × 1/10,000 m², 1 cm को हमने कन्वर्ट कर लिया, देन इट्स इज इक्वल टू लाइक दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गर्ल। प्रेशर फाइंड आउट कैसे किया जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, द फोर्स इज 500 N एंड एरिया इज 10,000 / 2 m², ये हमने इसे अपोजिट इसलिए किया बिकॉज वी नो दैट
जो मीटर स्क्वायर है ये नीचे है, ये यूनिट जो है यहाँ पे मेंशन है। इस यूनिट को हम नीचे तो नहीं लिख सकते बिकॉज हमें यूनिट ऑलरेडी पता है कि इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम इस जगह पर लाने के लिए इसको क्या करते हैं, इसको अपोजिट कर दिया हमने, इस जो यूनिट ये जो हमारे पास डिजिट है इसको हमने अपोजिट कर दिया, तो ये माइनस में पावर टू हो जाएगी। ओके नाउ इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इट्स इक्वल टू 25 लाख न्यूटन मीटर पर सेकेंड, माइनस में आ गई इसकी पावर। नाउ इट इक्वल टू, इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। पास्कल में कन्वर्ट करने का मीन्स ये है कि इस यूनिट को हमने पास्कल राइट कर दिया, बिकॉज इन आवर प्रीवियस जो वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दीज। नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर टू, अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg हैज़ अ बेस एरिया 1 m², एक बॉक्स है उसका 10 kg मास है, एरिया 1 m² है, तो प्रेशर फाइंड आउट करना है एक्सर्टेड। इसमें भी आपको 1 kg वॉट इज इक्वल टू 10 N लेना है। ओके फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 10 kg वॉट। ओके तो 10 kg वॉट था एंड 10 N से मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसको 1 kg को इतना इक्वल्स टू करना है, तो 10 kg को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 100 N। एरिया कॉन्टेक्ट में जितना है वो 1 m² है, तो प्रेशर फाइंड आउट करना है फोर्स अपॉन एरिया। द हमारा फोर्स जो है वो 1000 N है एंड एरिया इज़ अवर 1 m², इसको हमने डिवाइड किया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मीटर स्क्वायर को हमें यहाँ पर पास्कल की यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लाना पड़ता है, तो इसको हम किस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ये। हाँ ऑलवेज आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हो, कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है इसको। तो 1 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, 100 upon 1 इज इक्वल्स टू 100 एंड न्यूटन मीटर पर स्क्वायर को हमने डिवाइड था, तो इस डिवाइड को रिमूव करने के लिए हमने क्या कर दिया, इस यूनिट को -2 राइट कर दिया, देन इट्स बिकम पास्कल 100 pascal। सेम एज डीज क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एलिफेंट है उसका 2000 kg मास है एंड फुट उसका जो है, प्रेशर ही फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका जो फुट है कितने एरिया को कवर कर रहा है, 250 cm², स्टैंडिंग जहाँ पर वो खड़ा है इतना कवर कर रहा है एरिया। फोर्स निकालना है हमें। ओके ग्रेविटी हमें फिर से 10 m² लेनी है, 10 m/s² लेनी है। ओके तो नाउ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस ऑफ 4 ft, बिकॉज ओनली 1 का दिया हुआ है, तो 4 ft का निकालने के लिए हम 250 cm² को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इट्स बिकम 1000 cm². ओके अब इस 1000 cm² को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो हमने इसको क्या किया, 1000 को हमने कैसे लिख दिया, ये हमारा 1000 जो है ये इस तरीके से, इन फ्यू मिनट्स बिफोर आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू राइट, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि सेंटीमीटर को हम किस तरीके से मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये था 1000 इस तरीके से किया, सो ये वी गॉट दिस एंड नाउ इसको कैंसिलेशन करने के बाद हमें क्या मिला, 1 upon 10 m². नाउ फोर्स एग्जर्टेड बाय द एलिफेंट, 2000 kg वेट है उसका। ओके 2000 kg वेट है, मल्टीप्लाई बाय हमें ये क्या मिला, एरिया मिला, फोर्स इतना था ठीक है, और 10 m/s² और इसको अब हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग इज 2000 को मल्टीप्लाई किया 10 से इज इक्वल्स टू वी गॉट दैट kg m/s² को, इस kg को हमने न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है हाउ वी कन्वर्ट, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एलिफेंट, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ओके अभी हम ये कैलकुलेट क्या कर रहे थे, अभी तक हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, वो मास था उसका, मास इनटू एरिया जो हमने कन्वर्ट किया था इसको, मास इनटू ग्रेविटी जो आपको दिया हुआ है, मास इनटू ग्रेविटी से हमने क्या फाइंड आउट किया, फोर्स। देखिए मास इनटू ग्रेविटी से हमने क्या फाइंड आउट किया था, फोर्स। ओके तो हमने ये कैलकुलेट किया, उसके बाद प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स हमारा 20,000 है, एरिया हमारा 1 upon 10 m² था, इसको अपोजिट कर दिया बिकॉज हमें इस यूनिट को माइनस में नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ये क्या है हमारा, ये kg में है और ये हमारा मीटर की पावर 2 है, देन इट बिकम्स पास्कल। ओके हेंस दिस इज योर आंसर, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग सी। In this question, you have to explain that how the pressure in a liquid increases with the depth.
दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एंडिंग. हैव अ गुड डे टू ऑल.